साल 1885 में बनाई गई एक ऐसी पार्टी जिसका लक्ष्य केवल भारत को आजाद कराना था। महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस पार्टी को आजादी के तुरंत बाद समाप्त कर दिया। नेशनल कांग्रेस के सामने एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नेशनल कांग्रेस, जिसने आज तक ऐसी शर्मनाक हार का सामना नहीं किया कि दूसरे देशों की पॉपुलेशन से करे तो भी इसकी बराबरी नहीं कर पाई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जो कि अपने 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने जा रहा है, इसके द्वारा भारत के 140 करोड़ नागरिकों के आने वाले 5 वर्षों का भविष्य निर्धारित होगा। और इसके साथ ही ये चुनाव एनडीए और एनडी गठबंधन के भविष्य का निर्धारण भी करेगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाले इन चुनाव में लगभग 96 करोड़ नागरिक अपना वोट डालेंगे, जिसके जरिए पूरे भारत से 543 सांसदों को चुनकर लोकसभा भेजा जाएगा। अब चुनाव की बात की जा रही है तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। साल 1885 में बनाई गई एक ऐसी पार्टी जिसका लक्ष्य केवल भारत को आजाद कराना था, न कि भारत पर शासन करना। आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो वर्तमान में कई टुकड़ों में बट गई है। बात है 28 दिसंबर 1885 की, जब AOU दादाभाई नौरोजी और दीक्षा वासिया ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इसका लक्ष्य था देश को आजाद कराना और सत्ता भारत के नागरिकों को सौंपना। इस पार्टी में कई लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसने अपनी विचारधारा से प्रभावित करने वाले महात्मा गांधी भी शामिल थे। लेकिन साल 1934 में गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी, जिसका कारण उन्होंने मरने से 3 दिन पहले यानी कि 27 जनवरी 1948 को लिखे एक पत्र के जरिए बताई, जिसमें लिखा था कांग्रेस लोकसंघ से हटकर राजनीति में आगे आने लगी है। परंतु कांग्रेस ने गांधी का साथ नहीं छोड़ा और ये अपनी राजनीतिक छवि को उनके नाम के सहारे आगे बढ़ाती है। और आज भी कांग्रेस पार्टी गांधी के नाम के सहारे ही राजनीति में बनी हुई है। जहां महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस पार्टी को आजादी के तुरंत बाद समाप्त कर देना था, वहीं इस पार्टी ने लगभग 30 वर्षों तक सत्ता पर राज किया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिए गए ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी से होती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। और इसी भाषण के द्वारा कांग्रेस का राजनीतिक सफर शुरू होता है, जिसके बाद कांग्रेस लगभग 30 वर्षों तक सत्ता पर राज करती है। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी का गठन होता है, जिसमें कई दल शामिल थे। इस पार्टी की नींव सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में जनसंघ के रूप में रखी गई थी, और बाद में यही पार्टी आगे बढ़कर 1980 में बीजेपी का रूप ले लेती है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जो कि वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है। साल 1984 में पहली बार बीजेपी चुनाव में उतरती है और इसे मात्र 2 ही सीटें मिलती है। और इसके बाद अगले चुनाव में यानी साल 1989 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 85 सीटों का हो जाता है। और यही पार्टी आगे चलकर 1992 में राम मंदिर का मुद्दा उठाती है, जिसके बाद यह हिंदुओं के बीच में अपनी अलग ही छवि बना लेती है, जिससे इस पार्टी का कद दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। अब चलते हैं साल 2014 के चुनाव में, तब बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और जो आंकड़ा 1983 में मात्र 2 सीटों का था, वही साल 2014 में बढ़कर 282 का हो जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने आज तक ऐसी शर्मनाक हार का सामना नहीं किया था, उसे बीजेपी ने मात्र 44 सीटों पर समेट दिया। और इसके बाद साल 2019 के चुनाव में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाती है और 300+ सीटें पाकर कांग्रेस को मात्र 52 सीटों पर समेट देती है। अब बात करते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी जिसने अपना लक्ष्य अब की बार 400 पार का रखा है, और वही कांग्रेस को जीत के लिए कई छोटे बड़े दलों का सहारा लेकर इंडी गठबंधन के रूप में चुनाव में उतरना पड़ रहा है। चलो अब बात करते हैं इन चुनाव में होने वाले कुछ खास बातों। अब की बार इन चुनाव में 96.8 करोड़ वोटर्स अपना वोट डालेंगे, और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों की पॉपुलेशन से करें तो भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इन 96 करोड़ वोटर्स में से 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, और लगभग 19.5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 29 वर्ष के बीच में है, और ये वोटर्स ऐसे हैं जो इन चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और सबसे बड़ी खास बात, ये चुनाव के लिए 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिनमें 55 लाख से अधिक EVM लगाए गए हैं, और इनकी निगरानी के लिए 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ लोगों को नियुक्त किया गया, जिनमें कई छोटे बड़े अधिकारी सुरक्षाकर्मी और वर्कर शामिल। चुनावी प्रक्रिया लगभग 7 चरणों में संपन्न होगी, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है और अंतिम चरण 1 जून 2024 को समाप्त होगा।
और लगभग 44 दिनों तक ये चुनावी माहौल बना रहेगा और इसका परिणाम 3 दिन बाद यानी 4 जून 2024 को आएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। मतलब देश के नए प्रधानमंत्री को चुनने के साथ साथ ये राज्य अपने नया मुख्यमंत्री भी चुनेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती दे पाएगा या बीजेपी की बार 400 पार का आंकड़ा पार कर पाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस पार्टी को वोट देना है, बस अपने मत का प्रयोग करें, अपने मत का प्रयोग करें और आपको जो पार्टी ठीक लगे उस पार्टी को वोट करें। धन्यवाद।